में सरकार ने दर्जे चारों असामियों को पुर करने के लिए एक नोटिफिकेशन स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल 2020 जारी किया है, जिसके मुताबिक पिछले 26 वर्ष से आवाम की खिदमत करने वालों को, मुख्तलिफ महकमों को अपने खून से सींचने वालों को, अपने आहल आयाल को सरकार की हुकुम की तामील की खातिर उनका मुस्तकबिल कुर्बान करने वालों को और मुख्तलिफ महकमों का 85% 85% काम बुनियादी काम चलाने वालों की मेहनत, उनकी जिंदगी की कीमत सिर्फ 5 मार्क्स रखे, जो कि यहाँ के आर्जी मुलाजमीन के जख्मों पर नमक पाशी के बराबर है। हम सरकार पर यह बात वाजिया करना चाहते हैं कि 1994 में यहाँ के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस, यहाँ के सियासतदान बिरून रियासतों में कयाम पजीर थे और यहाँ का महकमा, चाहे वो PDD है, PHE है, R&B है, टूरिज्म है, फिशरीज है, एग्रीकल्चर है, पोल्यूशन बोर्ड है, सीरीकल्चर है, फॉरेस्ट है, मुख्तलिफ जितने भी यहाँ पे महकमे हैं, उनको चीफ है, उनको चलाने वाला कोई नहीं था। जो IAS और KS अफसर साहिबान आज नोटिफिकेशन को जारी करते हैं, ये कोई यहाँ पे बात करने के लिए तैयार नहीं था और यहाँ पे कोई काम करने के लिए तैयार नहीं था। उन हालात में मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान ने एक दो कदी पॉलिसी के तहत यहाँ डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स को ये कहकर भर्ती किया कि आपको 7 वर्ष के बाद मुस्तकिल किया जाएगा। आप उस वक्त उस भर्ती अमल के लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन को, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लाजमी नहीं करार दिया गया कि 26 साल गुजरने के बावजूद, 26 साल गुजरने के बाद आज यहाँ के IAS ऑफिसर साहिबान, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ के गवर्नर इंतजामिया ये कह रही है कि आज डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स की तालीमी काबिलियत होना जरूरी है। जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम ने फैसला कर लिया है कि अगर जो सरकार ने, गवर्नर इंतजामिया ने, जो वजीर आजम ने वादा किया, जो ऐलान किया उन्होंने मिनिमम वेज एक्ट के लागू का इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेज एक्ट का, रेगुलराइजेशन का, अगर वो जल्द अज जल्द उन्होंने नहीं की, उस पर अमल नहीं हुआ, तो जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम ने फैसला कर लिया है। लीडरशिप, टॉप लीडरशिप 10 जून को 36 घंटे का एहतजाजी धरना प्रेस कॉलोनी में शुरू करेगी। अगर सरकार की नींद उसे भी नहीं टूटी, अगर सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला और डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के हवाले से कोई जरूर कोई खातिर का इकदाम नहीं उठाया, तो हमने फैसला कर लिया है, तो उसके बाद जितने भी हमारे 60,000 के करीब डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स है, वो जहां पे भी तैनात है, जहां पे भी अपनी फराइज अंजाम दे रहे हैं, वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे इनफरादी सूरत में या इज्तिमाही सूरत में, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए, मास्क को लगा के, गाइडलाइंस का एहतराम करके वो वहां पे एहतजाज करेंगे और वो उस एहतजाज की जो पिक्चर्स होंगी, उस एहतजाज की जो तस्वीरें होंगी, वो सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे ताकि सरकार की नींद टूटे और सरकार की आँख खुले। अगर सरकार की आंख उसके बाद भी नहीं खुली, तो हमने फैसला कर लिया है जम्मू कश्मीर के आर पार डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स अपने अहल आयाल के हमरा सड़कों का रुख करेंगे और हम उस वक्त कोरोना वायरस को नहीं देखेंगे, क्योंकि 26 बरस का मामला है, ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। जो इनका रिक्रूटमेंट रूल इस वक्त सामने आ गया है, ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा मोहलिक है, तो हमने फैसला कर लिया है, हम सड़कों का रुख करेंगे, किसी भी नाखुशगवार वाकये की जिम्मेदारी यहाँ के गवर्नर।